गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आपका चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन, और जिसमें कल आपको मैंने फ्रैक्शंस के बारे में बताया था, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। आज हम आपकी बात करेंगे फ्रैक्शंस के नए टाइप्स, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। क्लास लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिनका डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1/7, 2/7, 3/7, 9/7, 4/7, जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 7, 7, 7, 7। आप सब में देख रहे हैं कि सब में क्या आ रहा है, नीचे 7 आ रहा है। तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए, ये हो गए आपके लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सेकेंड है क्लास अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर different denominators are called unlike fraction, उन्हें हम unlike fraction कहते हैं। जिनका denominator different होता है उसे हम unlike fraction कहते हैं। जैसे कि 3/8, 4/11, 5/6, 9/11, जिनके denominators क्या हैं, different हैं, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर क्लास, इसे 14 मान लीजिए, 3/8, 4/11, 5/6, 9/13, ये सब कौन से हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके बाद आता है क्लास आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्वल फ्रैक्शंस। जिनका होल पार्ट आपस में बराबर होता है उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या होता है, क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, दैट इज 1/2, ठीक, 2/4, ठीक, 3/6, 4/8, ये सब क्या है, आपस में बराबर हैं। अगर इनको काट के देखेंगे, ये 1/2 है, इसको काटेंगे 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 6, 4 × 4 = 8। तो आपने देखा सबका आंसर कितना आया, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। आप देख रहे हैं कि सब में कितना आंसर आ रहा है, 1/2, 1/2 और 1/2 आंसर आ रहा है। तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी सारे फ्रैक्शन दे रखे हो सब इक्वल हो, तो इक्वल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं? एक एग्जांपल दिया आपको, आपसे कहा राइट राइट द फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। आप 4/5 के क्या लिखिए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। कैसे लिखेंगे आप देखिए, 4/5 क्या करेंगे, पूरा टेबल लिख दीजिए कहां तक, 5 तक, ठीक। या करिए एक तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड है ये, क्या करिए, 4 × 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और
फोर से 24, नीचे लिख दीजिए 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 30, ये सारे जितने भी नंबर आए ये सब कैसे आए 4/5 के क्या आए इक्विवेलेंट आए। अगर आप लोग काट के देखेंगे तो हमेशा 4/5 ही आएगा, क्या आएगा 4/5 ही आएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे कि आप देखिए 2 × 2 = 8, 2 × 5 = 10, ठीक जो काटिए 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 25, ये हो गया 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 30। आपने सबसे क्या आया 4/5, 4/5 और 4/5 ही आया। तो ये क्या कहलाए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि क्लास 4/5 के सेकंड मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो सेकंड मेथड से क्या लिखोगे आप, क्या करेंगे 4/5 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे तो नीचे भी करेंगे, ये हो गया 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10। ऐसे ही फिर 4/5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। ऐसे ही फिर हम 4/5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20। और ऐसे ही हम 4/5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। ऐसे ही 4/5 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30। आपने देखा कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले आए थे वही दोबारा आ रहे हैं। क्या किया आपने, 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई किया और 6 का मल्टीप्लाई किया, तब जाके आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आए। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का निकालने का तरीका। ये सेकेंड मेथड था। इससे पहले जो आपको मेथड समझाया था वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड, वही वाला मेथड था। ओके क्लास, सबसे पहले मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन बताए। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जिनका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कराया, जिसका जो फ्रैक्शन जिनका होल पार्ट सेम होता है उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम बस की बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपकी है 4.2 और 4.2 क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका इन सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन को आपको इन सर्कल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 1/3, 2/7, 1/11, 5/7, 3/7, 4/5, 6/30। जब क्वेश्चन है फर्स्ट वाला क्या है, 1/3, 2/7, 1/11, 5/7, 3/7, 4/5, 6/30। आपको क्या करना, इन सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस को आपको इन सर्कल करना है। इन सर्कल मतलब गोला करना है। तो आप देखिए लाइक फ्रैक्शन कौन सा है, 2/7, 5/7, 3/7, ये तीनों कैसे हैं लाइक है। लाइक मतलब इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो आपके लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हुए, 2/7, 5/7, 3/7, ये कौन से फ्रैक्शन हुए आपके क्लास, लाइक फ्रैक्शन कहलाए। कौन से फ्रैक्शन कहलाए, ये लाइक 2/7, 5/7 और 3/7, ठीक है। इसका बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला है 1/13, 3/13, 13/2, 5/13, 9/13, 13/9 और 12/13। क्लियर क्लास, क्या करना है अब आपको उसके अंदर क्या निकालना, लाइक फ्रैक्शन निकालना है। तो कौन कौन से लाइक हैं, 1/13, 3/13, 5/13, 9/13 और 12/13। तो
लाइफ एक्शन है आपका 1/13, 3/13, 5/13, 12/13, ये कौन से लेक्चर कराएंगे आपके लाइफ एक्शन कराएंगे। ओके क्लास, किताब का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू है, मेक आपको एक स्ट्रिप बनानी है 7 सेंटीमीटर की विद इट्स हेल्प एक्सप्रेस द फॉलोइंग, और उनको आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है क्लास, तो देखिए कैसे स्ट्रिप बनाएंगे। एक स्ट्रिप बनाइए, और कितने खाने हैं इसके अंदर, 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब पहला क्या है 1/7, तो 1/7 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हो गया 1/7। दूसरा 2/7, ये हो गया 2/7, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5/7, और ये हो गया 6/7। क्लियर, आपको इस तरीके से क्या बनानी है, स्ट्रिप बनानी है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसमें से कौन कौन से पेयर्स क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पहला क्वेश्चन है 3/5 एंड 9/15, 3/5 और 9/15 इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिए 3/5 तो 3/5 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज कर सकते नहीं है हम। 9/15 को देखते हैं, ये कट रहा किसी से, हाँ 3 3 9, 3 5 15, क्या हो गया 3/5 आ गया। ये भी 3/5 और ये भी 3/5, दोनों आपस में बराबर हैं। यस, 3/5 और 3/5 क्या है, बराबर हैं। सो 3/5 एंड 9/15 भी क्या है, आपस में इक्विवेलेंट हैं। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3/5 और 9/15 भी क्या है, आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है क्लास। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका करते हैं सी वाला। सी वाला क्वेश्चन है 7/12 एंड 21/36। ठीक, तो देखिए 7/12 में तो कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो कटेंगे ही नहीं आपस में, तो वो ऐसे का ऐसे चीज रहेगा। देखते 21/36 किससे कर सकता है, 3 से काटते हैं पहले, 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया 7/12 आ गया। ये भी आपस में बराबर है, यस 7/12 = 7/12, यानी 7/12 बराबर हो गया 21/36 के, तो देखेंगे यस इक्विवेलेंट। क्लियर है क्लास, 7/12 = 7/12, ये तो पहला हो गया 21/36 है, कुछ काटा 3 7 21 7 3 3 2 6, 7/12 के बराबर हो गया, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। अगला देखते हैं डी वाला, 7/25 एंड 28/100। क्लियर, 7/25 में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। क्लियर, दूसरा वाला है 28/100, काटो इसको 2 से, 2 2 4 8,
50 टाइम्स कट गया नीचे वाला, 2 से काट 2 से 14, 2 इन टू 2 का 10 कितना आ गया 7/25। देखो ये भी 7/25, ये भी 7/25 बराबर आ गया। इसका मतलब 7/25 एंड 28/100 ये भी क्या है आपस में इक्विवेलेंट। क्लियर, ये हो गया आपका डी वाला। था क्वेश्चन 7/25 एंड 28/100, 7/25 / 7/25, 7/25 तो सेम रहेगा, 28/100 काट दिया आपने, 2 से काटा पहले 14 टाइम्स कटा, नीचे 50 टाइम्स कटा, फिर दोबारा 2 से काटा, 2 से 14, 25 टाइम्स कट गया, 50 बार 50 कट गया, जो गया 7/25, यानी दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। ओके क्लास, ये था आपका डी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, 9/11 एंड 26/32, ये क्या है 9/11 26/32। तो देखिए 9/11 तो सेम रहेगा, ओके तो उसमें कोई चेंज हो ही नहीं। अब इतने 26/32 काटो, 2 × 2 2 × 3 = 6, 2 × 2 2 × 6 = 12, 13/16 के दोनों आपस में बराबर हैं नहीं है, तो क्या रखेंगे दे आर नॉट, दे तो पहले ऐसे 9/11 इज नॉन इक्वल टू, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर क्लास, आज आप ब्लैक कॉपी पे पढ़ रहे हैं, रोज ब्लैकबोर्ड पे पढ़ते हैं। आज मैंने नया ट्राई करके देखा है कि ब्लैकबोर्ड पे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है या फिर कॉपी पर। ओके क्लास, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर एफ, थर्ड का एफ। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या लिखने हैं, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। फर्स्ट है 1/3, मैंने आपको बताया था दो तरीके, या तो उसकी टेबल लिख दीजिए या फिर क्या करिए, टेबल लिख दीजिए या फिर आप 2 का फिर 3 का फिर 4 का मल्टीप्लाई करिए। ओके तो करिए, चाहे ऐसा कर लीजिए कैसे भी कर लीजिए। देखिए 1 × 2, 1 × 3 = 3, 1 × 4 = 4, 1 × 5 = 5, 1 × 6 = 6, तो 6 की टेबल हो गई, सॉरी 1 की टेबल हो गई। अब 3 की लिखो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये होगा इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो हो गया आपका पहला वाला तरीका। और इसको हम सेकेंड मेथड से करते तो कैसे करते, 1/3 पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का नीचे किया तो ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 × 2 2 × 3 = 6। सेकेंड फिर करना पड़ेगा आपको इसके अंदर 3 का, 3 × 3 नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 × 3 = 9। अब हो गया आपका, फिर दोबारा आप करेंगे किसका, 4 का, 4 × 4 4 × 3 = 12। ठीक, अब आप करिए दोबारा इसके अंदर 5 का, 5 × 5 = 15। अब करिए 6 का, 6 × 6 = 18। आपने देखा 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, ये आपका आ गया सेकेंड मेथड। चाहे फर्स्ट मेथड से कर लीजिए चाहे सेकेंड मेथड से कर लीजिए, आंसर दोनों ही कंडीशन में आपका सेम आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 3/5। फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, 3/3,
6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. आप अगर ये 5 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड मेथड से करते तो बड़ा 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 का करते हैं, फिर 4 का करते हैं, फिर 5 का करते हैं, फिर 6 का करते हैं, वो भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाते हैं। ओके क्लास, अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन एफ। 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, देखिए 3 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. 10 to 10, 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60. ये हो गया आपका एफ वाला क्वेश्चन। ओके क्लास, तो आज आपको मैंने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन करा दिए। इसमें जो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वो आपको कॉपी में करने हैं, जो मैंने नहीं कराए हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्लास आज पढ़ाया था, सबसे पहले शुरुआत में लाइक फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, जिनका डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं उसे अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे आपको मैंने, जिनका होल पार्ट सेम होता है उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, जैसे 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8। काटा, सब में क्या आंसर आया, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू कराई। तो क्लास आज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अपनी फेयर कॉपी में करके रखने हैं। कल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में नहीं आएंगी, बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ओके क्लास, थैंक यू।